मेहता का उल्टा चश्मा। आए और अभी वापस। अंजलि कौन जाना चाहता है वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के, लेकिन क्या करे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गया। बस एसवी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ इतनी सुंदर साड़ी, ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है। वैसे तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ हाँ, मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है। वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, स्विमिंग के बाजू में ही ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो माधवी भाभी, दोहर सुंदर सुंदर। काई कलर है, काई डिजाइन है, अंजलि भाभी मस्त है साड़ी एकदम। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू सो मच। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है। वो तो ये वो गिफ्ट है। ओहो अभिनंदन। अहो मतलब मेहता साहब ने काफी महंगी साड़ी खरीदी है अंजलि भाभी। चान चान चल, माधवी को मौका मिल गया गिफ्ट मांगने का। अहो क्या चाहिए? क्या है? अभिनंदन कीजिए ना। हाँ हाँ अंजलि भाभी, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अप्रतिम साड़ी है। बस इस्त्री करते वक्त खाली कपड़ा रख के इस्त्री करनी पड़ेगी। अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू भिड़े भाई, यू नो डिजाइनर पीस। पता नहीं वैसे लोग मेरा अभिनंदन कब करेंगे। समझ गया माधवी, समझ गया। अब मैं जाता हूँ मेहता सबके पास ट्यूशन लेने की, भाई कैसे सरप्राइज देते हैं बीवी को। भावना पोसली। हाँ पोसली पोसली भावना। वैसे अंजलि भाभी कचोरी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे माधवी डाइट कचोरी के लिए थैंक यू बोलो। नहीं भिड़े भाई, डाइट कचोरी नहीं है, चटपटी मसालेदार कचोरी है। काय संगता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू अंजलि भाभी फॉर द कचोरिया, एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू, तुम बहुत प्रिटी लागो छो। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। पर तुम ये तो बताओ कि तुम ऐसा सरप्राइज मुझे कब दोगे? और सोनिया काली, मेहता साहब को पकड़ता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि ऐसी खूबसूरत साड़ी उन्होंने कहाँ से ली है, और ऐसी सेम टू सेम साड़ी तुम्हें गिफ्ट करूंगा। रोशन सेम टू सेम सू। और सोनिया मैं मजाक कर रहा सी, और तुम्हें जैसी साड़ी पसंद है वैसे ला के दूंगा बस। अरे यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। खैर चलो। अरे एकदम जबरदस्त। अरे बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू अंजलि भाभी, ये साड़ी में तो आप और भी सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दया भाभी। आपको पता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तारक अकेले जाके मेरे लिए इतनी बढ़िया साड़ी लेकर आए। अरे आखिर मित्र किसके हैं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा के? और दूसरी बात क्या है अंजलि भाभी कि मेहता सबकी सोच पूरी दुनिया से अलग है। बिल्कुल, इसीलिए तो आपके दोस्त ने मुझे पसंद किया। मैंने आपसे कहा था ना अंजलि भाभी कि मेहता साहब जो सरप्राइज गिफ्ट आपको देते हैं वैसी तो मैं भी दया को नहीं दे पाता। हाँ जेठा भाई आप सच कह रहे हैं, मैं ही खामखा तारक को ताने कस रही थी। वैसे तो तारक बहुत अच्छे हैं। हमको तो पता ही है। अंजलि भाभी आपकी इच्छा थी ना कि मेहता साहब आपको सरप्राइज गिफ्ट दे, हो गई ना आपकी इच्छा पूरी। हाँ दया भाभी, और इसीलिए तो मैंने भी तारक के लिए आज स्पेशल खाना बनाया है, डाइट फूड नहीं मसालेदार। ओहो मतलब मेहता सबको रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट। बिल्कुल सिलसिला ये सरप्राइज गिफ्ट का हमने ना बुझने दिया। ओके जेठा भाई, दया भाभी मैं चलती हूँ। क्या हुआ दया भाभी? अजी भाभी ये लीजिए गाजर का हलवा। दया भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अंजलि भाभी मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी पड़ोसी को उनका बर्तन खाली नहीं लौटाना चाहिए, उसमें हमेशा कुछ मीठी चीज डालकर देनी चाहिए, उससे संबंध में मिठास रहती है। कितनी अच्छी है आपकी माँ। पता है मुझे तो लगता है कि आपकी माँ की सारी बातें ना इंटरनेट पे डाल देनी चाहिए ताकि लोगों को भी कुछ सीख मिले। थैंक यू।
मेरी माँ है ही ऐसी। वैसे चलो मैं चलती हूँ, तारा कभी आते ही होंगे। एक्चुअली उनको कुछ भी बताए बगैर मैंने बॉक्स में से निकाल के ये साड़ी पहन ली है। ओहो, अरे ये तो मेहता साहब के लिए एक और सरप्राइज। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बाय। ओके अंजलि भाभी। हाँ भाभी, आपकी सरप्राइज मेहता साहब को कैसी लगी वो बताना जरा। बिल्कुल। चल ओ अंजलि भाभी, अभी वो कचौरी देके गए ना। हाँ? वो दे मुझे। अरे पर आपने तो खाना खा लिया है। या भाई मैं हमेशा थोड़ी इधर जगह बचा कर रखता हूँ। अरे पेट मेरा खानी, मुझे तुझे क्या तकलीफ हो रही है भाई। ठीक है मैं देती हूँ। हाँ देना। अभी तो जस्ट प्रे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बबीता जी, अय्यर भाई। हाय, क्या बात है अंजलि भाभी, आप किसी शादी में जा रहे हो क्या? अरे नहीं बबीता जी, शादी में नहीं जा रही हूँ। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है, इसलिए मैंने पहनी है। ओहो, क्या बात है, कैसी लगी? अरे बहुत सुंदर है यार, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, सो स्वीट। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहता के यहाँ ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? जी हाँ। चलिए आइए। अंजलि भाभी यही कहीं होनी चाहिए। ओके। और है अंजलि भाभी, मेहता सबकी वाइफ, अब उनसे मिल लीजिए। श्योर श्योर, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये तो वही साड़ी है। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही है ना अंजलि तारक मेहता? हाँ कहिए। इसका मतलब हम लोग सही एड्रेस पे आए हैं। देखिए मैडम, आप बुरा मत मानेगा, लेकिन अभी जो आपने साड़ी पहनी है ना, दरअसल वो साड़ी मेरी है। हा? क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये साड़ी मेरी है। ये साड़ी आपकी है? ये आप क्या कह रही है? हाँ हाँ, जो आपने साड़ी पहनी है वो मेरी है। एक मिनट, ये साड़ी आपकी है मतलब? मतलब क्या, ये साड़ी मेरी है। ये आपकी साड़ी कैसे हो सकती है बताइए? ये साड़ी मुझे मेरे पति ने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे आज ही दी है। हाँ हाँ, देखिए कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है कि ये साड़ी मेरी है। थैंक यू की क्या बात है। अरे मुझे गया है। ऐसे कैसे कह सकती है आप? मैंने कितनी बार आपको समझाया फिर भी रुकिए। फोन दीजिए आपका अय्यर भाई, मैं अभी तक आपको फोन करती हूँ। देखिए there must be some kind of misunderstanding, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी बार मैंने कहा आपको? मैं शूट हो रहा हूँ। ये क्या बोला चली हो रही है? एक मिनट, क्या हुआ? मरना है मैं, राजीनामा दे। चलिए नीचे जाकर देखते हैं। चल चल चल। अंजलि भाभी, और जरूर कोई गड़बड़ है। और चल रोशन, थले चलते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की ये साड़ी आपकी है? देखिए आप शांत हो जाइए, हमारा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं है, लेकिन ये साड़ी मेरी है। अंजलि भाभी, क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ जल्दी? क्या हुआ अंजलि भाभी, ये कौन लोग हैं? क्या हुआ? देखिए ना दया भाभी, ये साड़ी तारक ने मुझे गिफ्ट में दी है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये साड़ी उनकी है। मतलब? नहीं नहीं, साड़ी तो इनकी है, हमने तो कचोरियां भी खाई हैं। आपके पति का नाम तारक मेहता है ना? हाँ। तो फिर हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये साड़ी हमारी ही है, और हमने इस साड़ी के पूरे 20,000 रुपए चुकाए। मेहता साहब का कहीं सीक्रेट लफड़ा? ये क्या बोल रहे हो भाई? नहीं है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती है कि ये साड़ी आपकी है? हाँ हाँ, हाँ माधवी भाभी, देखिए हमारे पास इस साड़ी का बिल है, और इसका पेमेंट हमने किया है। हाँ तो मेरे पति ने भी ये साड़ी पेमेंट दे के खरीदी है, आप कहना क्या चाहते हैं मेरे पति ने चोरी की है? देखिए मेहता साहब बहुत उसलो वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या बोल क्या रहे हैं आप? मेहता साहब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं?
अरे वो तो बोला ना मेहता साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मेहता साहब के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? सही बात है, मेहता साहब एक आदरणीय लेखक है। तो ओ लेखक छोड़ो, ओ मेहता साहब सिर्फ हमारी सोसाइटी के ही नहीं पूरी सोसाइटी के सम्माननीय इंसान है। पूरी सोसाइटी? ओ मेरा मतलब है आसपास की सारी सोसाइटी के। और जी मेहता साहब की सारे समाज में पूरी इज्जत है। एक मिनट एक मिनट। अच्छा तो आप अपनी साड़ी का बिल दिखाइए। हाँ अंजलि भाभी, आप इनको बिल दिखा दीजिए। अंजलि भाभी दिखा दीजिए, अंजलि भाभी दिखा दीजिए, बिल दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल का बिल और साड़ी की साड़ी हो जाएगी। दिखा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी। हाँ पर बिल मेरे पास नहीं है, बिल तो तारक के पास होगा ना। तो मेहता साहब को बुलाइए बिल से, मतलब बिल के साथ घर से। पर तारक तो घर पे नहीं है, एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? हाँ। ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। तारक तो घर पे नहीं है, एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? हाँ। ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। देखिए आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। जिस मॉल में हम लोग साड़ी लेने गए थे वहाँ फॉल्स फायर अलार्म बज जाने के कारण कुछ भगदड़ सी मच गई थी और आपकी और हमारी बैग एक्सचेंज हो गई और हमने उस मॉल से आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली और बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। अच्छा क्या क्या, मैं कुछ समझा नहीं बे, क्या अच्छा हो? अरे नहीं नहीं, मतलब जिस शॉपिंग मॉल में वो थे ना वहाँ पे फॉल्स फायर अलार्म बजा, मतलब वही पूछ रहा हूँ, वो समझ में नहीं आया। वहाँ पे ऐसे गलती से अलार्म बज गया। किसका? किसी को लगा आग लग गई तो अलार्म बजता है ना, वैसा अलार्म बज गया तो वहाँ पे भगदड़ मच गई, तो उस भगदड़ में वो बैग एक्सचेंज हो गई। धक्का मुक्की? हाँ धक्का मुक्की, मतलब मेहता साहब की बैग शायद इनके पास चली गई और इनकी बैग मेहता साहब के पास आ गई। अच्छा हाथ से छूट गए ऐसा? हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, अभी क्या मालूम। वो आग लगी नहीं थी लेकिन सायरन बज गया मॉल में, तो सब हड़बड़ाहट हो गई। ओहो अंजलि भाभी, इसका मतलब ये है कि सरप्राइज गिफ्ट में मेहता साहब ने आपके लिए साड़ी नहीं खरीदी है। तो अंजलि भाभी, मेहता साहब ने आपको कौन सी सरप्राइज गिफ्ट दी है? हाँ ले, ये बात तो अभी तक सरप्राइज ही है। हाँ हाँ बराबर, आपकी शॉपिंग बैग हमारे पास है। अंजलि भाभी, आपकी असली सरप्राइज गिफ्ट क्या है वो अब पता चलेगा। हाँ देखो अंजलि भाभी, गो अहेड, जाओ तो। एक मिनट। हाँ ये रही असली गिफ्ट। चॉकलेट्स तो नहीं है? ओह माय गॉड, डायमंड, डायमंड वाली घड़ी, जरा हमें भी दिखाओ। बताइए, ओ मॉन्स्टर देखा? अरे बाप रे, अंदर सफेद है और ये सॉलिड डायमंड्स है ना। थोड़ा इधर या श्योर रहे हो? हां आ गई आ गई आ गई। हां अच्छी है अच्छी। वाह जबरदस्त है। हाँ काफी महंगी लगती है। माधुरी भाभी ने देख लिया, अभी दिलानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इसको कुशन दे सकता हूँ, घड़ी नहीं। क्या भाई, तू भी दे दे दे। अंजलि भाभी, ये घड़ी तो मुझे ये साड़ी से भी महंगी लगती है। सच्ची? हाँ कितना प्यारा वॉच है ना। हाउ लकी अंजलि भाभी। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, इतने सारे कंफ्यूजन में हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप चलिए ना मेरे घर चलिए, तारक अभी आते ही होंगे, आपको साड़ी भी तो लौटानी है। लो लगता है मेहता साहब आ गए। ओह लो, 100 साल जीन गए। रुकना भाई। Excuse me, क्या तारक मेहता यहीं रहते हैं? जी हाँ यहीं रहते हैं। तो आप में से तारक मेहता कौन है? इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हाँ भाई साहब, आप मेहता सबको क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए मॉल में भगदड़ मचने की वजह से
मेरी बैग और तारक मेहता जी की बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी, मैं उसे ही बदली करने आया हूँ। क्या लगा है, क्या समझ भाई, तू ठीक से समझा भाई मुझे। हे भगवान, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। समझा? हाँ, तो समझा। अब मान लो ए मतलब मेहता साहब, बी मतलब ये साड़ी वाले भाई साहब, और सी मतलब ये जो भाई साहब अभी अभी आए वो। पहले क्या हुआ, ए और बी में टक्कर हो गई, तो बी की बैग एक के पास चली गई और ए की बैग बी के पास चली गई। ओके, भगदड़ चालू ही थी, थोड़ी देर में सी और ए में टक्कर हो गई, तो सी वाले भाई साहब की बैग ए वाले के पास आ गई और ए की बैग सी वाले के पास चली गई। तो अभी फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो बैग है वो मेहता साहब के पास है और मेहता साहब की बैग इनके पास आ गई। एबीसीडी सिखा रहे अभी। तो मेहता साहब के बैग में तो साड़ी थी ना, वो बैग लेके है, वो तो ये साड़ी वाले भाई साहब अपनी बैग लेके जा रहे। हाँ, अंजलि भाई मेहता साहब कब आने वाले है, बहुत कंफ्यूजन है। नहीं भाई साहब, आप बताइए आपने मॉल में से क्या खरीदा था? डायमंड की लेडीज रिस्ट वॉच। ये बगा। अरे ये विसरा एबीसी सर। हे भगवान, ये तारक मुझे कैसी सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं। अंजलि बाबी, आप हिम्मत रखिए, आपकी सरप्राइज गिफ्ट शायद वो तीसरी ही होगी। ओ, मतलब अंजलि बाबी जिस गिफ्ट को अपनी सरप्राइज गिफ्ट समझ रही थी वो उनकी है ही नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो उनके सरप्राइज गिफ्ट कौन सी है? माला का विचारता है। अरे तू ही कब से बोल रहा है ना, ओ अच्छा करके बहुत समझ में आ रहा है तुझे, इसलिए तुझे पूछ रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगा पहले कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो क्यों कर रहा है भाई? वो क्या है, मॉल में फायर अलार्म बजने की वजह से भगदड़ मच गई और उसकी वजह से बैग अदली बदली हो गई। और बच्चों को अक्सर वह खिलौना पसंद आता है जो दूसरों के हाथ में होता है। भाई बच्चे ऐसा करें तब तक तो ठीक है, लेकिन बड़े होकर भी हम ऐसा ही करने लगते हैं, हमें वही चीज अच्छी लगती है जो दूसरों के पास हो। और यही हुआ है अंजलि की सरप्राइज गिफ्ट के साथ। अंजलि को यह पता नहीं था कि उनकी ये सरप्राइज गिफ्ट शॉकिंग गिफ्ट में तब्दील हो जाएगी। भाई अभी तक तो ये ही पता नहीं चल रहा है कि आखिर सरप्राइज गिफ्ट किसकी है। भाई अंजलि की सरप्राइज गिफ्ट की वजह से यहाँ जो गोकुल धाम में महाहंगामा खड़ा हो गया है, इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। भाई मूल प्रश्न ये है कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसकी वजह से सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जी हाँ, तारक मेहता, जिनकी वजह से सरप्राइज गिफ्ट का सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया, वो खुद गायब है। लेकिन मैं क्या करूं साहब, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैंने अंजलि के लिए कोई गिफ्ट खरीदी थी या नहीं, ली थी या नहीं। आपको क्या लगता है, ली थी? आप भी कैसे बताएंगे, आपको क्या पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये सरप्राइज गिफ्ट का मसला जब हल होगा, ये सरप्राइज गिफ्ट का बॉक्स जब खुलेगा, तब आपके घरों में ठहाके इतने होंगे कि आप हंसते हंसते नहीं थकेंगे। जी हाँ, ये कंफ्यूजन खुलेगा सोमवार की रात मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। सोमवार को देखना मत भूलिएगा कि आखिर ये सब चक्कर है क्या। और हाँ, तब तक अपनी पत्नी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लीजिए, खुश हो जाएंगी वो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.